मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे फिलहाल बड़ा बाल है तो सौरभ जोशी की तरह हम भी दिखाना चाहते हैं बाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है नो फैमिली में। तो जैसा कि फिलहाल आज सुबह का अभी अभी बैठे हुए नाश्ते के लिए, जैसा कि और नाश्ते में आपको दिखा दूँ, ये देखिए लाई है जो कि आपके यहाँ शायद मुरमुरा मुमरा ऐसे कुछ कहते होंगे। और फिलहाल अभी सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता देख रहे, चाय भी और लाई भी यानी मुमरा भी चबाए। तो इसके बाद अभी जा रहे हैं खाना बनाने और खाना बना के फिर आपको दिखाता हूँ कैसे हमारे यहाँ हम खाना बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो अभी बने रहिएगा ब्लू ब्यूटी ब्लॉग पे। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सारी वीडियो का। और हो सकेगा मैं अब डेली 8:30 बजे अपलोड करूँगा वीडियो। और जैसे कि 8 बजे रहे, मैंने एक कल वाला नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड कर लिया है, अगर देखनी है तो देख लेना। और फिलहाल इस वीडियो को भी सुबह 8 बजे पोस्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मिलते थोड़ा सा काम कर लेते हैं घर का, जैसा काम है तो अभी आपको दिखाते हैं। तो लास्ट नाश्ता था उधर रख रहे हैं अंदर। और तो दोस्तों जैसा कि गैस पे हमने सारा खाना चढ़ा दिया है, मैंने पक रहा है खाना। और देख लेते हैं दाल और चावल है जैसा कि, और सीटी आवाज़ भी करी जैसे कि फेंक सकते हैं। तो अभी फिलहाल वीडियो इसलिए नहीं बना नहीं पाते क्योंकि एक हाथ से अगर वीडियो बनाओ तो एक हाथ से काम तो होता नहीं, आप सब जानते होंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो मैंने बनाते वक्त नहीं बना पा रहे हैं। और हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल जैसे कि ये देख सकते हैं अभी हमारा खाना पक रहा है। और फिलहाल और हमारा डेली का यही काम है, डेली मैं ऐसे ही करता हूँ, खाना बनाता हूँ एक तरफ और खाना पकाने के लिए रख देता हूँ उधर पकता है उसके बाद। और एक गेम है जो कि पेबैक 2 के नाम से है और आपको स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जैसे दिख रहा होगा। तो फाइनली यही है गेम जो कि मैं टाइम पास करता हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया आराम से टाइम पास होता है, जो कि ऑफलाइन भी है, इसमें नेट भी नहीं खर्चा होता और नेट की प्रॉब्लम भी जैसे यहाँ पे रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और बाकी पबजी वगैरह जैसा होता पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं पबजी वगैरह जो कि क्या कहते हैं ख़राब होता है, और क्योंकि इसमें नेटवर्क नेट बहुत खाता है। और एक बार अगर उसको खेल दो तो कि भैया टाइम में समझ लीजिए बहुत ही जल्दी इससे बात होता है और मन नहीं करता है काटने के। तो इसलिए दोस्तों ये जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ उसका पेबैक नाम है, और चाहे वहाँ से डाउनलोड कर सकते, चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें वहाँ डाउनलोड कर सकते, जो कि बहुत ही बढ़िया टाइम पास गेमिंग है, बहुत ही गजब का गेम है, आप खेल के जरूर बताइएगा। और मैं फिलहाल खेलता हूँ इसको, टाइम पास जब नहीं होता है तो मैं इसको खेलता हूँ, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। और इसमें भी जैसे पबजी में रहता है वैसे रहता है, लेकिन इसमें ऑफलाइन रहता है इतना अच्छा लगता क्या होता है, तो आप भी ट्राई करिए। तो फाइनली देख सकते हैं जैसे कि हमारे चेहरे पे वाइट वाइट और पता नहीं कैसे हो गया है, देख सकते हैं जैसे कि। और चेहरा भी अभी नहाए हुए तो जानते हैं ठंडी में चेहरा नहाने के बाद रूखा रूखा अजीब मतलब सूखा सूखा टाइप का होता है। तो फिलहाल हम इसको रोज़ सुबह लगाते हैं, और जो कि ये नारियल का तेल है और कोकोनट का ऑयल है तो कहते हैं हम इसको लगाते हैं, तो इसे प्रमोट नहीं करें। और फिलहाल आप चाहे तो लगा सकते हैं। और कड़ू का तेल लगाते हैं तो इससे थोड़ा ब्लैक होता है और अच्छा नहीं लगता, उसकी खुशबू बहुत बेकार है। और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं इसको 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको लगाता हूँ। और चलिए फिर लगा लेता हूँ इसको। और हमारा शीशा यहाँ पे है, यहाँ पे मोबाइल चार्ज होती है और मैं यहाँ से सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। और बाकी यहाँ पे तो फिलहाल इस तेल को मैं यूज करता हूँ, इस तरह हल्का सा ले लेता हूँ, 2 से 3 बूंद ले रहे हैं। और इसको अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर हाथ में और गले में और ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनली थोड़ा सा ऑयली ऑयली शायद आपको लग रहा होगा। और बाकी दिन भर में चेहरा में यही लगाया रहता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, आपको शायद पता ही नहीं रहा होगा, तो देख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यूज करते हैं चाहे तो नहीं, बाकी हम यूज करते हैं। और ये मैं लगभग 2-3 साल से मैं यूज करता हूँ, हर ठंडी के सीजन में मैं इसको यूज करता हूँ, एक डिब्बा ले लेता हूँ। बाकी ये तो छोटा वाला है, बड़ा वाला लेता हूँ, अबकी बार छोटा वाला पापा लेके आए तो ही यूज करता हूँ। और बाकी इसको भी सेविंग करवाना है तो
सो दोस्तों, जैसे कि हमारा खाना पक चुका है और देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने बंद कर दिया है और देख सकते हैं बैग से, तो फिर चलते हैं छत पे। तो फाइनली हम आ गए छत पे। जैसे कि कपड़ा वगैरह भी छाटे, ये देख सकते हैं मेरा एक शर्ट है और एक अंडरवेयर बनियान, और बाकी हम आ चुके हैं अपने छत पे। और पीछे में हमारा रूम, ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे, और इधर में हमारा ऊपर वाला छत। और फाइनली इस पे जीने पे बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं आपसे। तो फाइनली देख सकते हैं जैसा कि हमारा खाना वाना रेडी हो चुका है, और आज भी लगता है घर ही होगा, क्योंकि भी पापा कह रहे हैं जाना है वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस जाना है, उसके बाद थोड़ा बैंक में काम है, वहाँ से जाके पासबुक वगैरह के लिए, और इसके बाद पापा वहाँ पे जाएंगे और साइकिल से जाएंगे। तो लगभग बताए हैं 2 बज जाएगा उनको, काम करते करते हम लोग 2 बजे से पहले उनका काम ख़त्म नहीं होगा। तो फिलहाल अभी हम छत पे बैठे हैं, ये देख सकते हैं, और वहाँ पे सामने दाल है जो कि मटर की बिछाया गया है, थोड़ा उस पर ठंडी लग गई थी, जो कि क्या नाम है, बुकड़ी जो कहते हैं, क्या नाम है, कुछ मतलब जो होता है वाइट कलर का लग जाता है, वो लग गया था। तो फिलहाल बाकी हम अपने छत पे बैठे हैं, देख सकते हैं जहाँ पे कल बैठे थे, तो बस यहीं पे गुजारा हो जाता है, कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते। तो फाइनली अभी खाली है, अब जा रहे हैं जैसे कि पढ़ाई करने। और जैसा कि सुबह सुबह उठते ही 4 साढ़े 4 बजे मैं कहते हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं, और सोच रहे हैं सुबह जब 4 बजे उठते ही हैं तो क्यों ना जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तभी से वीडियो बनाया जाए। और हो सकेगा तो मैं कल से सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा जब पढ़ाई करता हूँ, और यहीं पे पढ़ाई करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के, यहाँ पे किताब रख के, और बाकी यहीं से रीड करना चालू कर देते हैं। और बाकी देख सकते हैं मेरा रूम है, रूम का क्या हाल है, और तेल मैं यही वाला लगाता हूँ जो कि कैस्किंग का है, क्योंकि बाल हमारे बहुत झड़ रहे हैं। और आपके पास कोई उपाय हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई उपाय हो, बाल झड़ रहे हैं यार बहुत, देख सकते हैं कितना झड़ रहे हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे फिलहाल बड़ा बाल है तो सौरभ जोशी की तरह हम भी दिखाना चाहते हैं बाल, और सौरभ को जोशी का बाल बहुत ही अच्छा लगता है ना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा ज़रूर, और हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका बाल इतना अच्छा रहता है, और उसका बाल इस तरह है जैसे लगता है लड़की लगता है, और कान में भी पहना है और बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन कान वान में हम नहीं पहनेंगे और कान वगैरह अच्छा नहीं लगता है। गाँव है, गाँव में जानते हैं आप सब, अगर कुछ ज़्यादा ही फैशन कर लो तो लोग यहाँ पे नज़रअंदाज और गलत भाव से देखने लगते हैं, तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष, उसी तरह हम रहेंगे। और बाकी थोड़ा बाल बड़ा रखाने का हमको भी शौक है, और ये जो है इसको शेविंग कराएंगे, ये भी हमको अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है। तो फिलहाल जैसे कि हम संडे को, और क्या कहते हैं, संडे को लगभग कटाते हैं बाल वगैरह, शेविंग कराते हैं, नहीं तो नहीं। और बाकी चढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करने के बाद मिलते हैं आपको। और फिलहाल हमारी बुक अभी देखते हैं यहीं पर रखे थे, थोड़ा कपड़ा वगैरह रखा हुआ है उसी नीचे है, तो अभी हम देखते हैं। तो फाइनली कितना ढेर सारे कपड़े हैं, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहे हैं देखने में, तो मैं चलता हूँ, आप वीडियो देखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। तो हमारा जैसा कि थोड़ा बहुत इधर कपड़े ढेर सारे हो गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फाइनली अपनी किताब पर निकालता हूँ, ये मेरा पर्सनल है और इसी में रखता हूँ किताब कॉपी, तो फाइनली इसी में हमने रखे हैं। और इधर गया बुक हमारा, तो देखते हैं जैसे कि मैं पहले ये वाली बुक रीड करता था, ओह सॉरी, तो इसमें जैसा कि लिखा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे खाएं, और खाने को ध्यान से दें देखें, मतलब खानों को ध्यान से खाएं, और बहुत ही गजब का बुक है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं इसको फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे, और वो थोड़ा किताबी अच्छा लगता है पढ़ने में, और ऐसे भी आप जानते हैं किताब पढ़ना अच्छी बात है। और इसको जैसा कि डॉक्टर प्रकाश चंद गंगोर रोड ने इसको मतलब लिखा है, और बहुत ही अच्छी किताब है, बाकी अपनी किताब निकालता हूँ। और फिलहाल देख सकते हैं
मेरी फेवरेट किताब बहुत ही, जिसको मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ, जो कि एक बार इसको पढ़ाई कर चुका हूँ, पूरा पढ़ चुका हूँ, पूरा किताबी को पढ़ चुका हूँ, रीड कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल इसको इतना अच्छी किताब है कि दोबारा भी पढ़ने को बहुत मन करता है। और देख सकते हैं जैसे कि पहले जो जो आपको वीडियो में दिखाए थे, टाइम मैनेजमेंट, और बहुत ही बढ़िया किताब है। इसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। और बाकी फिलहाल चलते हैं, इसको पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि आज हम खाना वाला ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसको सुबह पढ़ी है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि छोटी सी किताब है। तो इसको भी रीड करके फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए मैं रीड करता हूँ इसको पढ़ाई करके। सो गाइस, जैसे कि अभी टाइम मिला, और फिलहाल टाइम की बात करें तो टाइम करेक्ट 2 बज रही है, तो ये तो सही हुआ क्योंकि पापा कहते थे 2 बजे तक टाइम मिलेगा, तो अभी पापा आए जैसे कि बैंक से, और अभी हम फाइनली जैसे कि खाना वाना खाए हैं। और क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, बैटरी वो मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए वो उसकी नहीं बना पाए और भूल भी गए हैं। तो फिलहाल अभी हम कुछ करने वाले नहीं हैं और लाइट भी नहीं आ रही, तो फाइनली लाइट आ जाएगी, मोबाइल चार्ज कर लेंगे, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और सोचिए खेत जाने के लिए, भाई यार भी कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। सो दोस्तों, जैसे कि 7:55 यानी 8 बज चुका है और रात हो गई, देख लेते हैं। और फिलहाल आज कहीं बाहर गए नहीं और घर ही पे बीत गया आज का दिन, फिर से ख़राब हो गया। तो हो सकेगा तो मैं कल जाऊंगा कहीं बाहर, तो बाहर का वीडियो आपको साथ बनाऊंगा। फिलहाल अभी दुकान में बैठे हैं, देख सकते हैं आज का दिन ख़राब हो गया। सो फाइनली, जैसा कि रात का डिनर हमने कर लिया, और रात डिनर ऑन करके अपने आ गए रूम में, और जैसा कि जा रहे सोने। और फिलहाल आज का दिन ये समझ लीजिए हमारा बहुत ही ख़राब हुआ। और दोस्तों, कारण बस यही है कि फैमिली नहीं है, और अगर फैमिली होती तो आपका भी टाइम पास हो जाता और अच्छे से वीडियो भी बन जाती। तो इसी के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि अगर आपका समय ख़राब हुआ होगा तो फिलहाल। और बाकी बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर बने तो यार प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। बस ये चीज़ें हैं जो कि हमारे फैमिली नहीं है, तो प्लीज़ आप ही सपोर्ट करोगे तभी सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट करेंगे तभी सपोर्ट होगा। तो इसलिए फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है अच्छा तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपको जैसा लगे और आपको जैसा लगता है। तो फिलहाल बस यही बताना चाहते थे। और इसके साथ साथ जैसे कि कल हम जाने वाले अपने दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ जैसा कि वो जो हमारे दीदी के देवर हैं उनकी क्या कहते हैं सगाई है, तो वहाँ पे जाएंगे। और जैसा कि बहुत ही लंबा ट्रेवल होने वाला है, तो हो सकेगा नहीं, मैं कल वीडियो ज़रूर वहाँ का बनाऊँगा, और बहुत ही लंबा है सफ़र है और बहुत ही इन्जॉय होने वाला है, तो मैं कल ज़रूर बनाऊँगा। और ये ब्लॉग सुबह 8 बजे आ जाएगा और शायद आपको पसंद आया होगा। और अगर यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिलहाल और इसके साथ साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।